हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं कुछ नया बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो में देखना, आपको बहुत मजा आएगा ये पूरे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैंने कुछ कहीं कहीं मिस्टेक किया है। तो आप मुझे बताना कहाँ पे मिस्टेक किया है और कहाँ पे क्या गलत किया मैंने, ठीक है। तो आज मैंने बनाने जा रहा हूँ एक पराठे, और एक पराठे मैंने दो टाइप से बनाया हूँ। एक तो स्टफ फिल करके पराठे बनाया हूँ और एक सिंपल पराठे बनाया हूँ। तो आपने देखना वीडियो में, आपको बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत कुछ एक्साइटमेंट रहेगा आपको जानने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना बताऊं, आप मेरे वीडियो देखो और बताना कि कहाँ पे मैं क्या मिस्टेक किया। तो दोस्तों आज हम मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, कुछ एक पराठे, ठीक है। और उसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी ऑयल डाल रहा हूँ और इसमें थोड़ी सी नमक डाल रहा हूँ, क्योंकि पराठे में ऐसे मैं डालूंगा ही, मगर इसमें भी थोड़ा नमक हो तो अच्छा हो जाएगा। और इसे पराठे को सानते हैं, और जब भी आप पराठे के लिए आटा सानते हो तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत मीडियम बेस पे आपको करना है कि थोड़ा अच्छा लगे। और पहले इसको मिक्स कर दीजिए नमक और ऑयल को अच्छे से, कि नमक हर जगह आटे में मिक्स हो जाए और अच्छा लगे। तो और आप सब लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आप सबके, तो मैं ये पूछना चाहता था आप सबसे कि कैस क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या कुछ नया कर रहे हो, ठीक है। तो पानी धीरे धीरे ऐड करना है इसके अंदर, और बहुत अच्छे से करना है ऐड, ठीक है, अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे और टेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टेस्ट जब आप खाना बना रहे हो। और जब भी बनाए दिल से बनाएं, ठीक है, किसी के लिए बनाएं दिल से बनाएं, अपने के लिए बनाएं दिल से बनाएं, किसी और के लिए भी बनाएं और दिल से बनाएं, कि क्योंकि आपको लगना चाहिए कि उसे लगना चाहिए कि हाँ आपने उसके लिए बनाया है, बहुत प्यार से बहुत मन से बनाया है, तो खाने के अंदर भी दिखना चाहिए, ठीक है। आप इसमें ऑयल भी यूज़ इसमें आप घी भी यूज़ करते हैं, मगर घी से क्या होता है ना, जो पराठे बनते हैं थोड़े खास्ते बनाते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऑयल डाला है, ऑयल से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमेशा स्माइल करते रहिए, स्माइल बहुत बड़ा फैक्टर है आदमी को जिताने में, आदमी को जीतने में, ठीक है। क्योंकि आप स्माइल करते रहोगे ना, तो भले ही आपके अंदर कोई बहुत सारा पेन छुपा हो, बहुत सारा दर्द छुपा हो, ठीक है, वो स्माइल आपको सब कुछ को हिम्मत देगा लड़ने का, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉस अगर स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में जाता है तो उसके एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से स्माइल करके बात करता है तो पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा मिलता है कि एनर्जी मिलता है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। कोई टीचर स्माइल करते हुए बच्चे को सही से समझाते हैं, ठीक है, तभी भी बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में और बहुत अच्छा से पढ़ते भी हैं। और जब कोई जब आपके पापा या मम्मी कहीं बाहर से घर आते हैं, घर में आते हैं, अगर वो स्माइल करते हुए घर पे आएँ, ठीक है, पूरा ऑफिस का काम करते हुए भी थक जाते हैं मगर स्माइल करते हुए घर पे आएँ, तो उनसे जो आपकी फैमिली की जो ऊर्जा है ना और बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। स्माइल में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, मगर ये मैटर है करता है कि आप कैसे लेते हो और कैसे चेंज करते हो इन्वायरमेंट को, ठीक है। हर टाइम आपको रोने और कुछ होने से कुछ नहीं होता है, तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी हो जाए आप हमेशा स्माइल करते रहिए, ठीक है, और खुश रहा कीजिए हमेशा।
देखिए आटा सन चुके हैं, इसमें है ना आटा आटा को डोप को मैंने सन से बना दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़े से ऑयल ऐड कर रहा हूँ ऊपर से, कि जो आटा है जैसा अभी मैंने साना उसी तरह मुलायम रहे, ठीक है, ज़्यादा ये टाइट ना हो, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर से तेल मैंने ऐड कर दिया है, तो इसके बाद ये ऐसे ही रहेगा। और देखिए मैंने सॉफ्ट भी है और ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ये नॉर्मल है और इस तरह से ही पराठे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर तेल लगा दिया है, तो ये अच्छे से रहेगा। ये तो दोस्तों मैंने मैंने बॉल ले लिया है और इसमें मैं अंडे तोड़ के डाल रहा हूँ। ये एक अंडे हो गए, ये दो अंडे, अगर दो तीन पराठे बना दो, तीन अंडे काफी है, हो जाएगा तीन अंडे में भी। ये तीन अंडे, और ध्यान रखिए कभी कभी क्या होता है जब हम सेल्स एक सेल तोड़ रहे होते हैं तो उसके हार्ड पार्ट कभी कभी नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, तो उसे निकाल दीजिए, नहीं तो खाने में बहुत बेकार टेस्ट आएंगे, फिर आप बोलोगे रवि ने बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, देखिए ओह बाहर आ जा भाई। आई कैन टेक स्पून, स्पून से ही बाहर नहीं आ रहा है। ओह नाउ इट्स माय टर्न। ओह ये कोई मैं खेल नहीं खेल रहा हूं ऐसा, बट ये देखिए इसके लिए मुझे बहुत सारे मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। अब इसमें मैंने थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूं, क्योंकि धनिया पत्ता इज द बेस्ट, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी मैं हरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ, जितने आप तीखा खाते हो। और इसमें फिर मैं ऐड कर रहा हूँ प्याज, प्याज को मैंने बारीकी से काटा है, ठीक है, तो इतना प्याज काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ऐसे मैंने नमक उसमें भी डाला है, आटे में भी डाला है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के कम डालिएगा, नहीं तो फिर आपके एक पराठे अच्छे नहीं लगेंगे, नमक ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डाल दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, इसे मिक्स करना है। और मैं आपको एक पराठे दो टाइप से बनाना सिखाऊंगा, एक स्टफ वाला, एक विदाउट स्टफ, एक फिल स्टफ और विदाउट स्टफ, ठीक है। तो देखते हैं, और रियली बहुत खाने में टेस्टी आएगा, हेल्दी भी है और एग के साथ तो अल्टीमेट लगता है, ठीक है। तो आप सब बताना कि कैसा लग रहा है और कैसा मैंने गैस पे किया है थोड़ा सा, उसके लिए आप थोड़ा सॉरी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब मैं इस साइड से बनाता हूँ तो कैमरा तो सही से नहीं दिखता है, इसलिए मैंने गैस के ऊपर ही रख दिया, जो कि ऐसा अलाउड नहीं होता कि गैस के ऊपर आप ये सब मिक्स करें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये मिक्स हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना, सॉरी कैमरा भी हिल रहा है। हाँ अब सही है, आप कैमरा नहीं हिल रहा है। तो ये देखिए सही है, ये हो गया। ये बन गए हैं। तो देखिए मैंने जो आप जो पेड़ा लेते हो आप, थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि आपको इस टाइप का पराठे बनाना है, तो थोड़ा सा मैंने बड़ा पेड़ा लिया है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इसे मैंने ऐसे कर दिया है, इसे ऐसे करना है और इसे बेलना है, थोड़ा सा आप इसके नीचे, तो इसे आटा डाल सकते हैं।
जो ये जो आटे होते हैं सूखे आटे बहुत कम लगाने हैं, इतने लगाने हैं कि भाई आपके जो जो आप जो पेड़ा बेल रहे हो वो बेल बेला जाए अच्छा सा, मीन सर्कल हो जाए अच्छा सा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ये चिपकेगा नहीं क्योंकि आपने इसमें ऑयल लगा चुका है, तो इसने ये चिपकेगा नहीं। सर्कल तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तेल लगे हुए हैं तो घूम ही रहा है, तो इसलिए। हाँ जी, ये देखें, अब इसके बाद क्या करना है, हम इसके ऊपर घी लगाना है। ये देखें ऐसे इसको घी को ऐसे लगा देने हैं। ये जो उनके लिए है जो जो डाइटिंग करते हैं वो ना खाए, खा सकते हैं ऐसे, ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर उनको और वेट ना इंक्रीज ना हो जाए, मगर जिनको अगर वेट इंक्रीज करना है तो वो ऐसे इस टाइप के पराठे खा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा ये। अब इसे क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। एक मिनट, तो इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक, इस टाइप से फोल्ड करने है, जिस तरह से आप फैन फोल्ड करते हो, ठीक है, इस टाइप से, और फिर इसे घुमाने हैं, जिस टाइप से लच्छा पराठा बनाते हैं उसी टाइप से करने हैं, ठीक है, ये देखिए। और जो ये बीच का है, जो लास्ट का पार्ट है, ऊपर लेके इसको बीच में डाल देना है, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब इसे थोड़ी सी नीचे ये सूखे आटे डाल देने हैं, ठीक है, अब इसे बेलना है, इसे अब इसको बेलना है, आराम से बेलिए। पराठे का मजा ही ऐसा ही है, ठीक है, ये देखिए मेरा ये पराठा जो मैंने लास्ट का किया था वो खुल गया है, वो कोई बात नहीं, मैं इसे खोल के सही हो जाएगी, ऐसा मिस्टेक होते हैं, ठीक है, कोई, मगर पराठे खाने में आपको कोई कमी नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, देखिए थोड़ा सा हो गया था मगर अब सही है। ये लच्छे पराठे टाइप का मैंने बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा बेलना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेरा कमी है यहाँ पे, ये देखिए साइड भी अच्छा से बेलना है। ये देखिए हो गया, अब इसे करना है, मैंने गैस ऑन कर रखा था और ये तवा भी गर्म हो चुका है, इसको उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, पहले एक हो जाए फिर आपको बताता हूँ। अब जिस तरह नॉर्मल पराठे हम बनाते हैं, जिस तरह गरम करते हैं, जिस तरह वो लगाते हैं, इसी टाइप से करने हैं, ठीक है, ये देखिए। गैस बहुत कम था तो इसलिए मैं थोड़ा तेज किया गैस, ठीक है, और अब अच्छे से देखिए, अच्छे से व्यू आया
कि आप बना सके और खा सके अच्छे से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब बनाएं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी नाम चेंज कर दिया, मैंने सोचा कल रात में कि आप मेरे नाम से मीन्स रवि अंडरस्कोर आर्टिस्ट 92 सर्च करोगे, तो इस तरह से मैंने जो मेरा यूट्यूब का जो इंस्टाग्राम आईडी है वर्सेटाइल रवि कुमार, मैंने इंस्टाग्राम आईडी को भी सेम कर दिया है वर्सेटाइल रवि कुमार। आप वर्सेटाइल अंडरस्कोर रवि अंडरस्कोर कुमार सर्च करोगे तो मुझे आप मिल जाओगे, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे तरह से बने हैं क्योंकि घी लगे हुए हैं बहुत, और लच्छे टाइप के बनाए हैं पराठा मैंने, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो अल्टीमेट लगेगा, ठीक है। तो आप खाने के लिए मैं हमेशा गारंटी लेता हूँ कि जो खाने में बना रहा हूँ, जो आपको बताऊंगा, वो बहुत अच्छे रहेंगे, टेस्ट में भी अच्छे रहेंगे, खाने में भी अच्छे रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कभी कभी कुछ जो डाइटिंग कर रहे हैं, जो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वो थोड़ा सा नहीं खा पाएंगे कभी कभी कोई खाने, क्योंकि उसमें कुछ कभी कभी बटर ज़्यादा होते हैं, घी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूँ, मगर टेस्ट के हिसाब से अगर इफ़ यू गो विथ टेस्ट, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। आई कैन गिव यू दिस मच गारंटी, ऐसा आज के डेट में कोई भी गारंटी देता नहीं है, मगर समहाउ मैं इतना ट्रस्ट दे सकता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर से मैं थोड़ा घी लगा देता हूँ, उसको ऐसे पलट दिया। अब दूसरे साइड भी घी लगा देता हूँ, तब तक एक साइड वो पक रहा होगा। हमें जो पराठे हैं पहले ही पका लेना है अच्छे से, ठीक है। जब हम इसके ऊपर अंडा डालेंगे तो सिर्फ उस पर ही बनेगा, पराठे कच्चा ना हो, इसलिए पहले से अच्छे से ढंग से पका लेना है। ये देखिए साइड साइड को अच्छे से ये सेकने हैं अच्छे से, ठीक है। कोई साइड कच्चा ना हो, खाने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। गैस कम करना है अब, ठीक है, सब साइड से पक चुके हैं। अब क्या करना है, जो हमने ये बनाया था अंडे को इसके ऊपर डालने हैं, ठीक है। अब इसे स्प्रेड कर देने हैं, हर जगह से स्प्रेड कर देने हैं। अगर मिर्ची नहीं आया तो मिर्ची भी थोड़ा सा ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये और गैस थोड़ा सा इसमें तेज रखने हैं क्योंकि आपको अंडे अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये देखिए गैस तेज ही है, अब हमें अच्छे से पलटने हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइड भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो ऐसे पराठे मोटे बनेंगे मगर टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, टेस्ट की। और आप बोलोगे कि आप ऐसे भी आप पराठे अलग बना दो और आमलेट अलग बना दो, मगर मैं सच बोल रहा हूँ कि दोनों का टेस्ट बहुत अलग लगेगा और बहुत खाने में अल्टीमेट अलग अलग स्वाद आएंगे। ऐसा नहीं कि आप पराठे अलग अलग बना लो और फिर आमलेट अलग बना लो तो उसके सेम टेस्ट आएंगे, नहीं, अलग अलग आएंगे टेस्ट, ठीक है। ऐसे क्योंकि देखिए जो पराठे हैं तो पक चुके हैं, सिर्फ हमें अंडे को ही पकाने थे और अंडे को इसके साथ मिक्स करने थे और ये स्वाद बहुत अलग टाइप का आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये मेरी
रेसिपी है, और ऐसा नहीं है कि मेरी रेसिपी है, मगर अच्छा है, अच्छा लगा, मैंने टेस्ट भी किया है और खाया भी है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बना के खिलाती थी ऐसा इस टाइप से, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, और देखिए जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा या तो पता कैसे चलेगा कि हाँ क्या चीज़ अच्छा लगा बना, क्या चीज़ अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो हर कुछ ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये पूरा पक चुके हैं सही से, ठीक है। ये डन, अब गैस कम कर देना है। ये मैंने पहले सर्कुलर बेल रहा हूँ, फिर इसके मैं ट्रायंगल पराठे बनाऊंगा, ठीक है। ये बिहार में बहुत चलते हैं और बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। क्या करने हैं, जो घी लगा देने हैं ऐसे, सभी साइड से घी लग गया है, फिर इसे हाफ फोल्ड करने हैं, ठीक है, इस टाइप से आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद भी घी लगाने हैं, ठीक है। आप लोग बोलो रवि आजकल तो तुम मुझे मोटा बना दोगे खा के ला के ला के, कोई बात नहीं, कोई मोटा नहीं बनता है, सब ठीक है। ये देखिए ये ट्रायंगल शेप हो गया, ठीक है, इसलिए इसको ट्रायंगल पराठे बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको आटे थोड़ा सा डालो नीचे भी, कि मुझे बेलने में अच्छा लगे और अच्छे से ये मेरे ये हो जाए। ट्राइंगल पराठे मेरे अगर थोड़ा ट्राइंगल नहीं बने तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैं इतना परफेक्ट नहीं बन पाया अभी तक मम्मी से, और ऐसे भी कोई भी बंदा इतना परफेक्ट नहीं होता है, मम्मी की तो बात ही अलग है, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस उनके मैटर बहुत करता है, ठीक है। और कभी भी हम लड़कियों से जीतना नहीं चाहते हैं और हम जीत ही नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात उनके जो डेडिकेशन है, उनके जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उनके लाइफ में, और वो इतने सब कुछ काम करके कैसे मैनेज कर लेती है, मुझे सीखना चाहता हूँ उन सबसे, ठीक है, जो कि ऑफिस भी संभाल लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं और अपने बच्चे संभाल लेती हैं और सारे काम भी कर लेती हैं और ऑफिस सही टाइम पर भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सब इंसान है कि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़ा भागना पड़ता है, ठीक है, मगर उनकी बात ही अलग है, अलग कैसे मुझे आई डोंट नो कहाँ से उनके पास इतना पावर, कहाँ से इतना अच्छा एनर्जी आता है, और हमेशा स्माइल करती हैं रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं उन सब सभी को मैं बहुत मैं नमन करता हूँ उन सबको, जो इतनी सब कुछ मैनेज करके कर लेती हैं लाइफ में, आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है आज के डेट में लाइफ में कि हाँ थोड़ा सा ये करना वो करना ऐसा, ठीक है। ये देखिए मैं पराठे भी हो रहे हैं थोड़े, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर आई डोंट नो कैसे कर लेते हैं। तो आप सब मुझे बताना कि मुझे क्या कैसे करना चाहिए,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर आर जो मेरे वीडियो देखते हैं बहुत सारी लड़कियां ही हैं, और मीन्स कुछ तो बहुत सारे जॉब भी कर रही हैं होंगी, फैमिली भी है उनको, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हो मुझे बताना, मैं भी आप सबसे सीखना चाहता हूँ, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे, तो मे बी मैं कुछ ना कुछ इसमें से अप्लाई करूँ, कुछ ना कुछ अपने डेली लाइफ में यूज करूँ उसको। तो देखिए पराठे तो बन गए हैं, इसको अंदर इसके अंदर थोड़ा घी लगा लेने हैं और इसे ब्लड देना है, ठीक है? अब देखिए पराठे तो बन गए, अब हमें क्या करना है, एक पार्ट खोलना है इसके, और थोड़ी सी गैस कम करना पड़ेगा मुझे, और क्योंकि एक मिनट कैसे, हाँ देखिए इस पोर्शन से थोड़े दे देने हैं, एक्चुअली पराठे बहुत ज्यादा ये बने हैं तो इसलिए थोड़े बाहर आ गए हैं, मगर समहाउ इस तरह भी पराठे अच्छे लगेंगे। नहीं बन पाया मेरे ये फिल पराठे क्योंकि खुल गए थे इधर साइड से, ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता है, तो आज 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 मेरे रेसिपी में कुछ नया इन्वेंशन देखोगे आप, ठीक है? इस टाइप से भी बना सकते हो, हम मैं स्टफ पराठे में थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है मेरे को बनाने में, ठीक है मैं ऐसे नहीं बन पाया, ठीक है? और कुछ नहीं, ऐसा नहीं मैं कुछ कट करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं जो होता है और लाइफ में मैं वैसा करके भी दिखाता हूँ, आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ठीक है? तो बस जैसा है, कभी कभी होता है नहीं बन पाता मेरे से, नहीं हो पाया। ठीक है मगर मैं इसे एक चीज कर सकता हूँ, इसे बहुत और टेस्टी बना सकता हूँ, ठीक है? इतना मैं कंफर्मेशन देता हूँ, इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है इसके अंदर, ठीक है? और इसमें गैस थोड़ा सा तेज रखना है क्योंकि पराठे तो हो चुके हैं, ये जो है जो फिल हुआ ऐसे अंदर भी होगा फिल होगा, ठीक है? कुछ कुछ पोर्शन बाहर आ चुके हैं, ठीक है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पोर्शन को जो बाहर आ चुके हैं उसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये, और इसके अंदर भी पराठे के अंदर भी सब कुछ फिल्ड है, ठीक है? ठीक है हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे स्टफ पराठे में पूरा अंदर ही नहीं रहा, सब कुछ 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 बाहर आ गया, ठीक है? तो होता है कभी कभी ऐसा, मगर पराठे में कोई कमी नहीं होगा, पराठे में जो प्रोटीन चाहिए जो टेस्ट चाहिए सब कुछ आ गया है, ठीक है? ये देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, ठीक है? ये देखिए पराठे अल्टीमेट लगे पूरा, मीन्स आप जो एक बर्गर खाते हो ना ऊपर बर्गर के बीच में सब कुछ आता है, सेम इसे आएगा, अंडा फिर उसके बीच में रोटी फिर उसके बीच में फिर अंडा और फिर इसके बीच में रोटी, तो इस तरह का बहुत अच्छा लगे कॉम्बिनेशन, और ये हो चुका, वाह।
खाना मैं उनके लिए पराठा तो नहीं बना पाया ठीक है, बट उनके लिए सिंपल रोटी बनाया और उनको खाना देना जरूरी है। ये देखिए कल के थोड़े खा चुके हैं और आज भी खा लेंगे, पानी अभी भी फुल है ठीक है, तो इनका खाना हो गया है। और ये देखिए मौसम अच्छा है, थोड़ी सी धूप हो चुकी है, गर्मी हो चुकी है ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने कुछ छुपाता नहीं हूँ, जिस तरह अगर जो बनता है सामने जिस तरह से ऑन द स्पॉट जो भी काम होता है मैं वो दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हाइड किया, कट किया, कॉपी किया, ऐसा कुछ नहीं ठीक है, सिंपल है। कभी कभी होता है इंसान के साथ नहीं बन पाता है, कभी कभी कुछ बनाना चाहता है मगर वो उस टाइप से नहीं बन पाता है, बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो मैं उस सर्कमस्टांसेस को हाइड नहीं कर रहा। हाँ नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगा बहुत अच्छे से बनाऊंगा, मुझे पता चल गया कहाँ पे मैं मिस्टेक किया ठीक है। तो आप सब ने मुझे प्यार दिया और इस तरह सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए, जिससे कि आप सबको जब भी मैं कुछ डालूं आपको नया नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से मेरे वीडियो देख पाए और इंजॉय करें ठीक है। तो इसी तरह से मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूं और मिलते हूं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और सभी आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा ठीक है, रेस्ट कीजिएगा ठीक है, प्रॉपर नींद प्रॉपर सोइएगा, स्लीपिंग टाइम जो है अच्छे से लीजिएगा, बहुत जरूरी है। हेल्थ अपने आप को देखना, अपने आप के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और मैं जैसे भी ब्लॉग में बताया स्माइल करते रहिए, तो हमेशा स्माइल करते रहिए आप सब।